हेलो गाइस, मेरा नाम है सुम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरे पास वन प्लस नोड 2 5 स्मार्टफोन जो कि हमने अमेजोन की फ्लैश सेल में बाय किया है। तो आज की में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे किस प्रकार का हमें स्मार्टफोन देखने को मिलता है वन प्लस नोड 2। तो इसको हम निकालते हैं बाहर, तो कुछ इस प्रकार की आपको नोड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तीन साइड यहाँ पे नोड नोड लिखा गया और वन प्लस की ब्रांडिंग, जो भी वन प्लस के जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं नोड सीरीज़ के अंदर, इसी प्रकार का आपको बॉक्स देखने को मिलता है। सभी के अंदर कोई भी आपको डिज़ाइन में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको अनरैप कर लेता हूँ और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। और वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। इस पर बहुत सारी वीडियो लेके आना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो कुछ इस प्रकार का बॉक्स कंटेंट देखने को मिलता है जो कि नोड नोड तीन बारी मेंशन किया गया है। इसके अंदर आपको कलर चेंज देखने को मिलता है जो कि नोड फर्स्ट के बॉक्स में ऐसा नहीं होता था। सिर्फ नोड नोड मेंशन किया गया था लेकिन कलर चेंज नहीं होता था। और राइट साइड में बात की तो वन प्लस नोड 2 5G की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। बैक साइड में कुछ स्पेक्स मेंशन किए गए हैं जैसे इसमें बॉक्स में क्या कुछ देखने को मिलता है। कलर की बात की तो मैंने ब्लू हेज कलर बाइक है, तो देखेंगे किस प्रकार का ये कलर देखने में मिलता है और यहाँ पे बॉक्स कंटेंट में आपको क्या कुछ देखने मिलता है। तो फिलहाल के लिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, हम देख ही लेते हैं अंदर हमें क्या कुछ देखने में मिलता है। तो इसको हम करते हैं, निकालते हैं और यहाँ पे हमारा आ जाता है डिवाइस वन प्लस नोड 2 5G स्मार्टफोन। तो इसको हम रख देते हैं एक बार साइड के अंदर, पहले देख लेते हैं बॉक्स में और क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे एक और बॉक्स और एक बॉक्स के अंदर हमें पता है क्या देखने को मिलेगा, इसका बैक कवर जो कि वन प्लस नोड के सभी फ़ोनों के साथ पाया जाता है क्योंकि एक ही साइज़ है जितने भी फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं। तो देखते हैं इस प्रकार का कुछ बॉक्स आपको बैक कवर देखने को मिलता है। और इस बॉक्स में हमें देख लेते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है, सिम इजेक्टर टूल और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन और इस यहाँ पे वन प्लस के कुछ स्टिकर्स हैं। तो फिलहाल इन्हें भी फटाफट से हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिलता है 65 वोल्ट का आपको चार्ज देखने को मिलता है। फास्ट चार्जर जैसे कि बताया जा रहा है 30 मिनट के अंदर ये आई थिंक अपने फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा। देखेंगे कि इस प्रकार के चार्जिंग टेस्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर आपको देखते हैं रेड कलर की आपको USB टाइप सी केबल देखने को मिलती है। अब आते हैं हम अपने डिवाइस पर, इन सभी को हम रखते हैं जल्दी से फटाफट से साइड में। फिलहाल आ चुके हैं अपने डिवाइस पे, तो देखते हैं फटाफट से इसको भी हम अनरैप कर लेते हैं। और अनरैप करते ही हमारा आ जाएगा डिवाइस, तो देखते हैं कितना शानदार आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। हालांकि ये मेट फिनिश के साथ आपको नहीं देखने को मिलता, ग्लोसी देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने भाई कहता मुझे लगा यहाँ मेट फिनिशिंग होगा वाइट कलर में, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। फिलहाल के लिए स्टिकर को भी हटा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस प्रकार का हमें ये देखने को। स्टिकर हटाने के बाद इस प्रकार का हमें डिवाइस देखने को मिलता है वन प्लस नोड 2 5G स्मार्टफोन, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, ब्लू कलर और वन प्लस की ब्रांडिंग और जो उसका कैमरा लेआउट है जैसे कि वन प्लस 9R आपने देखा 40,000 का डिवाइस, उसी टाइप का आपको देखने को मिलता है। और ये डिवाइस ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा, बिल्कुल साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रखा है स्मार्टफोन का। और यहाँ पे देखते हैं आपको देखने को मिलता है एक पावर बटन और यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर इस बार दिया है जो कि वन प्लस नोड CE में इन्होंने रिमूव कर दिया था, लेकिन वन प्लस नोड 2 में आपको वापस से ये देखने को मिलता है, वन प्लस नोड में भी था। और यहाँ पे USB टाइप आपको C देखने को मिलता है, स्पीकर देखने को मिलता है और माइक देखने को मिलता है। और सिम स्लॉट की मैं बात कर लूँ तो कितने सिम आप लगा सकते हैं वो भी आपको मैं चेकआउट करा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर आप ओनली फॉर 2 ही सिम लगा सकते हैं, कोई भी मेमोरी कार्ड का ऑप्शन देखने को ही नहीं मिलता कि आप सोच रहे हो कि एक सिम लगा लेंगे तो एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, नहीं जी, इसके अंदर सिर्फ ओनली फॉर 2 सिम लगा सकते हैं। तो अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो इसमें 256 GB अलावा कोई ब्रांड देखने को मिलता है जो कि 35,000 के आसपास देखने को मिलता है, तो उसके साथ जा सकते हैं। अगर आपका स्टोरेज मतलब ठीक है, आप सोचते हैं 128 GB में हमारा काम चल जाएगा, तो आप ये वाला ब्रांड बाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम फोन को जल्दी से सेटअप कर लेते हैं और सेटअप के बाद मैं सब कुछ इसमें BGMI वगैरह डाल दूल के उसके बाद आपके साथ मिलता हूँ और अंतु स्कोर वगैरह सब कुछ रन करता हूँ। तो फिलहाल हमारा डिवाइस मैं पूरा सेटअप करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप क्लिप देख सकते हैं, फोन को तो मैंने सेटअप कर लिया था, तो मैंने उसकी रिकॉर्ड नहीं की थी वीडियो, तो जैसे पता है मैंने अंतु स्कोर और BGMI वगैरह मैं डालता हूँ उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आपको पता लगे क्या फ़ोन है। लेकिन उसी के बीच में मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर ली क्योंकि मेरा फ़ोन मैंने जैसे ही वाईफाई कनेक्ट किया 2 मिनट में यस नो का ऑप्शन कोई नहीं मांगा, फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हुआ और चाइनीज लैंग्वेज में इसमें लोडिंग आने लग चुका था। मुझे पता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है कि क्या हो रहा है, आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट ही हो रहा है। वन प्लस के फ़ोन में पहली बार ऐसा देखा है कि चाइनीज लैंग्वेज में कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक उसी की वजह से हो रहा है। तक कलर OS और अभी ऑक्सीजन OS मिक्स हुए हैं, थोड़े इसमें कलर OS के फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली बार देखा यार चाइनीज लैंग्वेज में कुछ आने लग चुका था लोडिंग, शायद तक सॉफ्टवेयर अपडेट ये हो रहा। पूरा रेडी कर लिया है, मतलब इसमें अंतु स्कोर भी चेक कर लिया, BGMI डाउनलोड कर लिया, चाइनीज लैंग्वेज आया था, उसके बाद फोन चालू हो गया था। उसके बाद मैंने सभी एप्लीकेशन को इसमें डाल दिया ताकि आपको बता पाऊँ किस प्रकार का मतलब फोन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको अंतु स्कोर चेक कराता हूँ इस फोन का, तो 4,18,000 ही मुझे देखने को मिला, काफी लोगों के 6 लाख के आसपास आ रहा
तो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन मेरा काफ़ी कम आया 4,18,000 के आसपास। क्यों आया ये नहीं पता, देखते हैं। वन प्लस नोट टू है, काफ़ी लोग बोलेंगे डिवाइस चेंज कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम चेक करेंगे इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को एक अलग वीडियो में, किस प्रकार की परफॉर्मेंस रहती है। अंतु स्कोर पर हमें उतना ज़्यादा विश्वास नहीं है, मैंने काफ़ी बार आपको बोला है। और यहाँ पर आपको देखते हैं 10 उंगलियाँ इंस्टेंट ले रहा है, तो मतलब कोई भी मल्टी टच वाला इशू इसमें फ़ोन में नहीं देखने को मिलता। और पता है इसमें आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 जो कि एक फ्लेक्सिव प्रोसेसर है मीडियाटेक की तरफ से, मतलब। और यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग दिखाता हूँ। ग्राफिक सेटिंग मुझे इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी इस वन प्लस नोट टू के अंदर, क्योंकि देखते स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ये ऑप्शन देखने को मिलता है, 90 FPS का ऑप्शन नहीं है। बैलेंस पे भी यहाँ पे एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं है, HDR किसी पे भी नहीं है, और Ultra HDR तो है ही नहीं। 90 FPS ये मतलब ये जो प्रोसेसर है सपोर्ट करता है, लेकिन वन प्लस नोट टू के अंदर ये आपको नहीं देखने को मिलता, जो कि मुझे थोड़ी बुरी बात लगी। ब्लोटवेयर की बात करूँ तो कोई भी ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिलता, जो मैंने इंस्टॉल किया वही है, बस एक नेटफ्लिक्स आपको देखने को मिलता है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं चलता हूँ मोबाइल की सेटिंग में, और यहाँ पे देखते हैं थोड़ा बहुत आपको कलर ओएस जैसा इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन ओएस भी मिक्स है और कलर ओएस भी मिक्स है, ये आपको बता दूँ। यहाँ पे अबाउट फोन में जाता हूँ तो कुछ इस प्रकार का आपको UI देखने को मिलता है। ऑक्सीजन ओएस वर्जन 11.3 आपको देखने को मिलता है, जो कि कलर ओएस से मिक्स है, और एंड्रॉयड 11 आपको इसके अंदर देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। फिलहाल के लिए हम इसमें एक स्ट्रैक वाला फीचर इनेबल कर लेते हैं, तो हो जाए भैया तीसरी बारी में होना जाना चाहिए, तो हो चुका है स्ट्रैक वाला फीचर इनेबल। और यहाँ पे दिखाऊं कलर ओएस के और भी कुछ फीचर, जैसे कि पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का आपको UI देखने को मिलता है, जो कि कलर ओएस में आपको देखने को मिलता है। तो कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे एक बहुत ज़्यादा बुरी बात लगी इस फ़ोन की, वो क्या है कि इस फ़ोन का जो कैमरा UI है वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। जी हाँ, इसके अंदर भी कलर ओएस वाला जो कैमरा UI है वो इन्होंने इसके अंदर चिपका दिया है, पता नहीं क्यों चिपकाया यार। ऑक्सीजन ओएस वाला कितना अच्छा कैमरा UI देखने को मिलता था, लेकिन इसमें हमें वही कलर ओएस वाला UI चिपका दिया, जो कि मुझे बहुत बुरी बात लगी। बाकी देखेंगे मतलब उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है यार कैमरा मुझे, तो बाकी इसको अलग वीडियो में कवर करेंगे इसका कैमरा। स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.43 इंच की एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, फ्लूड एमलेट, जो कि कलर वगैरह काफ़ी अच्छी आ जाते हैं। और इस फ़ोन का मैं साउंड भी आपको चेक करा देता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, साउंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं इस फ़ोन के। और हम चलते हैं इस मोबाइल की सेटिंग के अंदर, और एक बार डिस्प्ले के अंदर आपको 90 Hz पे इसको करके दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ पर डिस्प्ले, कहाँ गया डिस्प्ले में ब्राइटनेस, और यहाँ पे UI देखेंगे तो कलर ओएस वाला आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा कलर ओएस बना दिया। और मेरे को फ्यूचर में डर लग रहा है कि इस ऑक्सीजन ओएस को पूरा कलर ओएस ना कर दे नोड सीरीज़ के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है कि नोड सीरीज़ आने वाले टाइम के अंदर कलर ओएस देखने को मिलेगा फुल्ली, ऐसा लग रहा है। अभी तो उन्होंने कलर ओएस काफ़ी ज़्यादा कर दिया अपने फ़ोन को, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है जो ऑक्सीजन ओएस का नाम और निशान हटा के पूरा कलर ओएस इस पर शिफ्ट कर दें, तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी कलर ओएस और ऑक्सीजन ओएस दोनों मिक्स देखने को मिलता है। तो ये भी UI देखते हैं, कलर ओएस वाला आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम 90 Hz कर देते हैं वापस से, तो देखते हैं काफ़ी अच्छी आपको स्मूथनेस देखने को मिलती है, तो इसमें कोई नहीं है। स्मूथनेस तो इस फ़ोन के अंदर है भाई, ये मान लो कि मैं डायलर की बात करूँ तो वो भी आपको चेक कराता हूँ। सेटिंग में जाता हूँ तो इसमें कोई भी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं देखने को मिलती, आप फ़ोन पे कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो अगले वाले को बता दिया जाएगा कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, वो भी साथ में आपको याद रहना चाहिए कि आपको रिकॉर्ड पर क्लिक करना है जब भी कॉल करें, तो वही आपको गूगल का डर देखने को मिलता है। ऑक्सीजन ओएस वाला आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। अब वन प्लस नोट 2 है ना, जो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि कलर ओएस मिक्स हो चुका है, जो कि कई लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकती है। बाकी इसके ट्रिप्स एंड ट्रिप्स वाली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें सब कुछ आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का UI है, क्या इसमें फीचर है, उसमें आपको पूरी डिटेल में पता लगेगा। तो ये था आपका वन प्लस नोट 2 5G स्मार्टफोन। बाकी अभी इसको अनबॉक्स किया है, अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़े दिन रुक लीजिए, थोड़े दिन रुक जाइए, काफ़ी यूट्यूबरों का रिव्यू आने वाला है और मेरा भी आएगा, और देखेंगे किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहता है, किस प्रकार का ये स्मार्टफोन है, उसके बाद अपना बाय डिसीजन ले सकते हैं, इस फोन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आज वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टैग किया, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।